गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा हॉल शेयर करने वाली हूँ जिसके अंदर काफ़ी कुछ वैरायटी आपको मिलने वाली है। इसके अंदर आपको मिलेंगे फैशन से रिलेटेड चीज़ें, इसके अंदर मिलेंगी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें, स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें और फ्रेग्रेंस वगैरह, ये सब कुछ। मैंने काफ़ी बड़ा हॉल होने वाला है क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने ऑर्डर किया है। साथ ही इस वीडियो में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सेलेक्ट की हैं जो आपके कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर और फेस्टिव वेयर सब चीज़ों को सॉर्टेड करेगा। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो कोलेब्रेशन है MHS यानी माई हॉल स्टोर के साथ में, तो उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको कुछ भी पसंद आता है ना तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको जो हमने कुछ फ्रेग्रेंस, डीओ, परफ्यूम्स और स्किन केयर है, साथ ही मेकअप का सामान है, नेल पेंट्स वगैरह हैं, ये दिखा देती हूँ और फिर लास्ट में हम कपड़ों की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला ये वाला स्किन बाय टाइटन, इसके परफ्यूम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाला आपको याद होगा, मैंने टेस्टर छोटा वाला लास्ट ईयर मंगवाया था और उसको इतना बचा बचा के मैं यूज़ करती हूँ। वन ऑफ़ द बेस्ट फ्रेग्रेंस है ये, टाइटन में ही मैं कहूँगी, क्योंकि टाइटन के कई फ्रेग्रेंस मैं ट्राई कर चुकी हूँ, कम से कम 5-6, उनमें से सबसे बेस्ट और इतना लॉन्ग लास्टिंग है ना कि मुझे लगता है कि 18 घंटे 16 घंटे हटता ही नहीं है, इतना ज़्यादा इसकी स्मेल लॉन्ग लास्टिंग है। और इसकी खुशबू भी बहुत ही कहते हैं रिच और एक्सपेंसिव टाइप की है। तो ये स्किन बाय टाइटन का ये वाइट आता है, वैसे इसका नाम है प्रिस्टीन, और ये वाला है। तो मैंने इसका बड़ा ऑर्डर कर लिया है, छोटा वाला बहुत बचा बचा के मैंने यूज़ किया बट अब वो ख़त्म हो चुका है। ये परफ्यूम ना 10/10 है, बहुत अच्छा है, तो एक बार इसको ट्राई करना बनता है। बट छोटा वाला मंगाइएगा पहले, क्योंकि हर किसी का प्रेफरेंस अलग होता है, तो फर्स्ट परचेज़ है ये। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने रोज़ वाटर का कॉम्बो मंगाया है, एक तो ये रहा और दूसरा हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो ये कॉम्बो में आया था। समर्स में ना रोज़ वाटर बहुत रिफ्रेशमेंट देता है और बजट में गुड क्वालिटी नेचुरल और केमिकल फ्री रोज़ वाटर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये एक जब मैंने देखा इसको बहुत बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई थी, 4.5, इससे पहले इस पर मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। तो ये विट्रो नेचुरल्स का है और ये अपना क्वालिटी को लेके इतने श्योर हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ये एडिबल है, आप इसको खा भी सकते हो और फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला मैंने कॉम्बो में मंगाया था, कॉम्बो वहाँ पर था, तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। यूज़ करने पे बहुत अच्छा इसमें फ़ील आता है, एकदम हाइड्रेशन सा फील होता है और रिफ्रेशमेंट सी मिलती है आपकी स्किन को। उसके बाद ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट ममार्थ का उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन, न जाने कितने टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट फेवरेट है, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का। और ये हमारा दूसरा ऑल टाइम फेवरेट न्यूट्रीजीना का अल्ट्रा शियर ड्राई टच सन ब्लॉक SPF 50 के साथ में। और मुझसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करते हो, तो ये वाला तो मतलब हमेशा रहता है हमारे ड्रॉर्स में, ये तो रहता ही है। मैं मेरे हस्बैंड दोनों हम रेगुलर बेसिस पे एवरीडे यूज़ करते हैं। सनस्क्रीन एवरीडे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रहता ही है, इसके साथ में कभी कभी कुछ और सनस्क्रीन भी मिक्स मैच करती रहती हूँ। तो एक दो और है मेरे पास, कभी दिखाऊँगी, बट मेन ये वाला है जो हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी बनता था, मुझे सेल चल रही है तो भाई मंगाना तो बनता है, ऐसी चीज़ें जिन पे डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको और नॉर्मल जो प्राइस रहता है उससे कम रेंज में मिल रहे हैं ये। भाई मेरे हस्बैंड को ना डीओ लगाने का बड़ा शौक है, बहुत जल्दी जल्दी डीओ की बॉटल्स उनकी फिनिश हो जाती हैं हमेशा से। तो जब भी मैं मंगाती हूँ तो कॉम्बो मंगाती हूँ, सस्ता भी पड़ता है और बहुत अलग अलग फ्रेग्रेंस ऐड हो जाते हैं हमारे पास। तो ये मैन कंपनी की कई चीज़ें हमने ट्राई करी हैं, द मैन कंपनी, और इन्हीं के इस बार हमने फर्स्ट टाइम फ्रेग्रेंस ट्राई की हैं। तो इनका रिव्यू तो मैं बाद में दे पाऊँगी क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ किया नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये तीन का कॉम्बो है, अभी इनिशली तो अच्छा लग रहा है मुझे। सारे फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छे हैं, अब ये तो खैर हस्बैंड का डिपार्टमेंट है तो वही बता पाएंगे इसके बारे में। उसके बाद उन्होंने एक और यहाँ पे डीओ का सेट मंगाया है और ये भी कुछ डिस्काउंट पे ही हमको मिला है, तो ये छुट्टी हो गई 6 महीने 7 महीने फ्रेग्रेंस लेने की। उसके बाद यहाँ पे एक ये फेस मॉइस्चराइज़र मंगाया है, ये भी हस्बैंड ने ही मंगाया है और ये भी द मैन कंपनी का है, इसका फेस वॉश वगैरह भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो ये कॉफ़ी एंड शिया बटर फेस मॉइस्चराइज़र है। फेस वॉश के लिए मैंने सिद्धार्थ को भी अलग से फेस वॉश देना स्टार्ट कर दिया है और
बच्चों वाला मंगाती हूँ, उसके लिए वाव का मंगाया था लास्ट टाइम, लेकिन इस टाइम पता नहीं अवेलेबल ही नहीं था वो। तो फिलहाल के लिए मैंने ये सेटाफिल मंगा दिया है। ये थोड़ा जेंटल होता है स्किन पे, वैसे तो ये बड़ों के लिए, बट मीन वाइल दो तीन दिन के लिए वो यूज़ कर लेगा ये। फिर मैं जब जैसे ही वो स्टॉक में आएगा ना उसका बच्चों वाला, मैं ऑर्डर कर लूँगी। तो ये एक मैंने ऑर्डर किया, इसको मैं भी यूज़ करके देखूँगी, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। और वैसे भी ये मिल रहा था डिस्काउंट पे, तो इसको ऑर्डर करना तो बनता ही एक बार ट्राई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दो मैंने हैंड क्रीम मंगाई हैं, क्योंकि भाई त्यौहार आने वाले हैं तो हमको हाथ अपने सुंदर सुंदर भी रखने हैं, और दूसरा त्यौहारों में हम काम इतना करते हैं ना, क्लीनिंग ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं, पानी का काम बहुत होता है, तो हाथों की तो बैंड बज ही जाती है। तो उनको सुंदर सॉफ्ट अच्छा डैमेज फ्री स्किन रखने के लिए हमें हैंड क्रीम की बहुत ज़रूरत होती है। तो दो मैंने मंगाई हैं, एक है ये एम कैफीन की नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी हैंड क्रीम, जो कि मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ और एक्सीलेंट है ये, बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ मैं, एक बार आप यूज़ करके देखेंगे सच में बहुत पसंद आएगी। साथ ही कुछ नया ट्राई करना भी बनता है, तो मैंने ये एक टिनीलिशियस हैंड क्रीम विद एवोकाडो ऑयल एंड वनीला, बड़ा ही अजीब सा नाम है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरियन टाइप का कुछ है इसमें, जैसे पिक्चर्स वगैरह बनी है, जैसी पैकेजिंग है, ये लग रहा है कि कोरियन कुछ मामला है इसका। तो ये हैंड क्रीम मैंने मंगाई, बाकी लिंक तो मिल जाएगा, आप जाकर और विस्तार में इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये तो मैंने यूज़ नहीं की है, ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसी रहती है, और फिर मैं बताऊँगी आपसे, रिव्यू शेयर करूँगी। उसके बाद कुछ मेकअप की चीज़ें मंगाई हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये नेल पेंट है, पॉप एक्सो मेकअप कलेक्शन के छोटे छोटे बिल्कुल मिनी वर्जन्स हैं, इस टाइप के हैं, ये बहुत छोटू छोटू से हैं। तो ये ना जैसे कि ये 5 का पैक है, ऐसे ही 5-5 के अलग अलग आपको कलर्स मिल जाएंगे नेल पेंट के। मैंने ये वाला मंगाया, इसमें कई सारे कलर्स हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ऐसे ये बढ़िया सी पैकेजिंग में आते हैं, ये देखिए कुछ ऐसे ना छोटे छोटे इसमें कलर्स हैं। एक ये देखिए पिंक टाइप का है, और ये पीच है, फिर ये कुछ लाइट शेड न्यूड शेड्स हैं, देन ब्राउन है। तो इस टाइप के छोटे छोटे आप टेस्टर टाइप के मंगा सकते हो, क्योंकि नेल पेंट में मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि स्क्रीन पे देखने में अच्छा लगता है, फिर आप उसको ऑर्डर कर लो। अभी रिसेंटली जो नायका से मैंने मंगाए थे उसमें से दो तो अच्छे हैं, बट एक कलर ऐसा आया जो कि स्क्रीन पे मरून कलर, इतना फैंसी मरून दिख रहा था, और जब वो मेरे पास घर पे आया तो वो जो 10-10, 20-20 रुपए के मरून कलर नहीं मिलते हैं, जो बहुत ही बेसिक और अच्छे नहीं लगते हैं, वो मरून कलर किसी भी मतलब उसमें वो अच्छे नहीं लगते हैं, वैसा मरून कलर वो निकल गया। और स्क्रीन पे जब मैं उसकी पिक्चर्स देख रही थी तो इतना फैंसी वाला मरून लग रहा था वो कि मैं क्या बताऊँ। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए अगर ऐसे छोटे छोटे टेस्टर आपको मिल जाते हैं तो अगर आपको नहीं भी पसंद आता है तो भी आपको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि बहुत टिनी टाइनी से हैं ये, और एक या दो नेल पेंट के प्राइस में आपको 5-6 का सेट मिल जाता है। उसके बाद मैंने अपने लिए एक ये रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट मंगवाया है, और ये एक्चुअली मेरे पास जो एकदम प्लेफुल कलरफुल वाले कलर होते हैं ना, लाल हो गया, पीला हो गया, वो ग्रीन जो होता है, नियॉन कलर हो गए, बहुत डार्क ड्रामेटिक आइज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो सब हैं, लेकिन मैं वो बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। मुझे जो बेसिक कलर है ना न्यूड्स, वो बहुत पसंद आते हैं। अभी भी मैंने इसी से मेकअप किया है, तो ये एकदम बेसिक न्यूड्स कलर हैं इसके अंदर, साथ ही शिमर भी है, मैट भी है, सबका कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कलर जो हैं ये ऐसे पैलेट्स, मैं कहूँगी एवरीडे बेसिस पे भी आप हल्का सा यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन ऐड होती है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना, हल्का सा आपको तैयार होना है, आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, तो ये छोटा सा मेकअप टिप है। कोई भी ऐसा आप कलर लीजिए पैलेट में से जो आपकी स्किन के साथ मिक्स हो रहा हो, और जस्ट उसको आप आंखों पे ऐसे अप्लाई कर लो, वो बिल्कुल दिखेगा नहीं कि आपने आई शेडो लगाया। मैट कलर लेना है आपको, दिखेगा नहीं कि आई शेडो लगाया, पर उसके ऊपर जब आप लाइनर लगाओगे या लाइनर नहीं भी लगाओगे तब भी आपकी आईज इतनी सुंदर दिखती है सिर्फ एक पाउडर ऐसे अप्लाई कर लेने से, जो कि दिख भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 आई शेडोज़ को ब्लेंड करके बढ़िया सी आईज़ बनानी है। अगर हल्का सा आप ऐसे अप्लाई कर लो ना, तो वो पता चलेगा कि आपने लगाया है, बट
ना पता चलते हुए भी इतनी अच्छी डेफिनेशन आपके फेस को देगा ना। मैं कई बार ऐसा करती हूँ जब मुझे मेकअप नहीं करना होता है तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं हमेशा करती हूँ और उससे फेस बहुत ही फ्रेश और आँखें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस टाइप का पैलेट मुझे लगता है सबके पास होना चाहिए जिसमें बेसिक ब्राउन्स हैं और लाइट शेड्स हैं, साथ ही शिमरी भी है। जैसे कि मैंने अभी शिमरी वगैरह भी अप्लाई किए हैं तो मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये लिपस्टिक मंगवाई है और यही मैंने अप्लाई करके रखी हुई है। ये है मैट लुक की पावर लास्ट लिप स्टेन क्रेयॉन। तो ये ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ के साथ में वहाँ पे है और बहुत इसमें शेड्स भी हैं। ये वाला जो है ये मजेंटा है, इसका शेड नेम है 13 वेरी मजेंटा, ये शेड है। तो ये मैंने ना काफ़ी टाइम से डाली हुई थी कार्ट में और इसको मैंने ऑर्डर किया है और बहुत अच्छा मतलब लग रहा है इसको लगा के, एकदम मॉइस्चराइज है आपके लिए बिल्कुल भी। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास जो थे उससे डिफरेंट भी है, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन के साथ अप्लाई हो जाता है, लिप्स एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। तो मुझे तो सच में बहुत पसंद आया। तो इसके जो रिव्यूज़ हैं वो 100% राइट हैं, काफ़ी अच्छा लिप क्रेयॉन है ये। तो आप ट्राई कर सकते हो, भाई त्यौहार आ रहे हैं ना तो शॉपिंग करना फटाफट स्टार्ट कीजिए। मेकअप, ब्यूटी, फैशन और सेल तो चली रही है तो आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने मंगाई हैं दो शर्ट्स। एक शर्ट है ये, ग्रे कलर की शर्ट है, फुल ऑफिशियल जैसे शर्ट होती है वैसी है ये, इस टाइप से। और ये दूसरी शर्ट है पिंक कलर की। एक्चुअली अभी कुछ महीने पहले हस्बैंड ने एक पिंक कलर की शर्ट मंगाई थी और सिर्फ दो बार उन्होंने उसको पहना, बहुत अच्छी भी लग रही थी। और फिर उसके ऊपर ना एक ऐसा स्टेन आ गया और पता नहीं कहाँ से आया, मैंने आयरन में दिया था वहाँ से आया या कहाँ से लग गया वो स्टेन और वो हट ही नहीं रहा है, एकदम फ्रंट पे है तो अब उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। सिर्फ दो बार पहनी थी तो मनी नहीं भरा उनका, तो एक और ये अब वो तो पहन नहीं सकते हैं, उसको आप सर्दियों में भी नहीं पहन सकते हैं क्योंकि वो आगे ही दिखेगा। ये एक पिंक कलर की शर्ट मंगवाई है और इसका जो कपड़ा है ना बहुत ही सॉफ्ट प्योर कॉटन का कपड़ा है। तो इस टाइप की शर्ट अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो डेफिनेटली लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। फैब्रिक वाइज बहुत अच्छा है, कोई इसमें कमी नहीं है। तो चलिए अब मैं आती हूँ अपने कपड़ों पे। तो एक तो ये सूट मैं पहन के बैठी हूँ, पहले इसी को देख लेते हैं। ये एक पार्टी वेयर सूट है तो अभी कितनी सारी चीज़ें लाइन से आने वाली हैं, रक्षाबंधन है, फिर तीज वगैरह भी आ रही है। खैर तीज में तो हरी साड़ी पहनते हैं बट फिर भी बैक टू बैक अब त्यौहार आने ही वाले हैं तो आप उनमें इसको पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर पर्पल कलर का सूट है ये, इसमें आपको ना कई कलर भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं। मुझे पर्पल बहुत पसंद आ रहा था तो मैंने ये ले लिया, इसमें येलो भी मिलेगा और भी कई कलर ऑप्शन है। इसमें गोटा पट्टी का काम काफ़ी किया हुआ है, ये नेक पे आप देख सकते हो फुल एकदम भरा हुआ है, जरी का काम है, फेक मिरर्स का काम है और एम्ब्रॉयडरी है। और यहाँ पे दुपट्टे पे बढ़िया सा गोटा पट्टी का काम है, बड़ा ही हल्का प्यारा सुंदर दुपट्टा है और अनारकली सूट है ये। सूट के ना बॉटम पे भी आपको अच्छा गोटा पट्टी का काम मिल जाता है तो फुल पार्टी वेयर सूट है ये। ऐसे सूट होते हैं ना, इस टाइप के सूट जो कि देखने में तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट करते हैं, आप अच्छे से एक्सेसराइज करो तो एकदम आप लगोगे कि हाँ बढ़िया पार्टी वेयर वाला लुक लगेगा आपका, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कंफर्टेबल होंगे पहनने में, कहीं से चुभ नहीं रहे होंगे, बढ़िया कॉटन या फिर रियॉन के कपड़े में ये आते हैं तो बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। आप खुल के काम भी कर सकते हो, परेशान भी नहीं होगे और प्रेजेंटेबल मतलब आप फेस्टिवल के हिसाब से सजे धजे दिखोगे। तो पहला मैंने पार्टी वेयर ही सूट दिखा दिया। इसके बाद एक और पार्टी वेयर सूट है जो कि है येलो कलर में, ऑरेंज रेड और इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन है और ये ना बड़े अच्छे से ही बैग के साथ आया और ये ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का, कुछ क्वालिटी का बढ़िया बैग है जिसमें आप यूज़ के बाद भी अच्छे से स्टोर करके अपने कपड़े रख सकते हो। तो ये इस तरीके से ऑरेंज कलर का सूट है जिसमें जो सेल्फ डिज़ाइन है वो इस तरीके से वाइट कलर की बूटी बूटी और येलो कलर की दी हुई हैं, साथ ही नेक पे आपको थोड़ा सा ये जरी जैसा काम मिलेगा और बीच में रेड कलर का ऐसे एम्ब्रॉयडरी के बीच में ऐसे डोरी एक डाली हुई है, ये पूरा ऐसे सूट है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ये दुपट्टा, बिल्कुल कॉटन का 100% कॉटन का ये कपड़ा है, कितना सुंदर इसका दुपट्टा है हल्का हल्का। और उसके बाद ये है प्लाज़ो, तो इस तरीके से ये पैंट्स हैं नैरो वाली जो होती है ना, तो ये प्लाज़ो पैंट्स हैं।
और कलर भी एकदम त्योहारों वाला है, खिला खिला ऑरेंज एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। ये दो चीज़ें तो मैंने मंगाई थी पार्टी वेयर, उसके बाद कैजुअल वेयर पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने मंगाई है ये पिंक ड्रेस, ये पिंक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है और बहुत सुंदर लग रही थी। इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, ये ऐसे कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, रियॉन का कपड़ा है और आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर ये ड्रेस है। तो ये आपके घुटने से थोड़ा सा नीचे आएगी, इसको ना आप वाइट स्निकर्स के साथ पहनोगे तो बहुत ही ये खिलेगी। और ये ऐसे फ्रंट पे ये पूरा बटन वर्क है और ये ऐसे स्ट्राइप वाली है, तो अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो इसको पहनने में तो आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो। मेरे पास ना एक पीच कलर का जैकेट है, जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं इसको पीच कलर के जैकेट के साथ और वाइट कलर के स्नीकर के साथ अगर पहनूंगी तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये एक ड्रेस है। उसके बाद भाई आजकल कॉट सेट बहुत चल रहे हैं, तो आप लोगों को पसंद भी आए हैं जो भी मैंने अभी तक कॉट सेट लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे ये अमेज़ॉन से एक और कॉट सेट मंगवाया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अपर है इसका और ये है बॉटम, काफ़ी खुला सा चौड़ा सा ये आपको बॉटम मिलता है और बहुत अच्छा लगेगा ये भी पहनने के बाद। तो मैं पहन के आपको दिखाऊंगी ना, तब इसका लुक आपको समझ में आएगा, ऐसे शायद आपको उतना पता ना चल रहा हो। और जो मैंने एक पिंक कलर का कॉट सेट पहना था जब मैं वंदना के साथ घूमने गई थी ना मॉल में, तब मैंने वो जो कॉट सेट पहना था वही है मेरे पास अभी, और एक मैंने सरोजिनी से लिया था। तो पिंक वाले की बात कर रही हूँ मैं, वो वाला ना अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने लिंक मांगा था। तो आज की इस वीडियो में उस पिंक कॉट सेट का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। तो बस यही था मेरा आज का हॉल, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होंगी। बहुत ना सेलेक्ट करके मेहनत करके ये सारी चीज़ें मैं आप तक लेकर आती हूँ। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है, ऐसा होता है ना कि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि जो भी हमारे सामने चीज़ें पिक्चर्स दिख रही हैं वो आने के बाद कैसी लगेंगी, लेकिन वही चीज़ अगर आपको कोई पहन के दिखा दे और उसका रिव्यू बता दे, और पहन के देखने पर सबसे ज़्यादा पता चलता है कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे पिक्चर देखने में और पहन के कोई अगर देख रहा है तो उसमें बहुत अंतर होता है। तो वो अगर कोई दिखा देना तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है कि भाई ये लेना है या नहीं लेना है। मैं खुद भी ऐसे चीज़ें परचेज़ करती हूँ, लोगों को देखती हूँ, उनकी पिक्चर्स देखती हूँ, रिव्यू पढ़ती हूँ, तभी कुछ मंगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लाती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सारी की सारी चीज़ें बाय करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर इनमें से कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए, कुछ अच्छा लग जाए, या फिर कुछ आप ना बहुत दिन से प्लान कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर और आप अपना माइंड मेक नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी वीडियो से ना कई बार ऐसी हेल्प मिलती है। मैं खुद भी इसी तरीके से शॉपिंग करती हूँ। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ भी पसंद आया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।